तबाही के बाद बिजनौर के गंगा का जल स्तर बढ़ने से गंगा किनारे किसानों की प्लेज व खेती में किसानों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। सामने आया लखनऊ विकास प्राधिकरण का घोटाला, प्राधिकरण में हुआ भूखंड घोटाला। 498 भूखंडों का हुआ गलत आवंटन, ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्राधिकरण के तहसीलदार भी इसमें लिप्त बताए जा रहे हैं। सामने आया है लखनऊ विकास प्राधिकरण का बड़ा घोटाला, प्राधिकरण में हुआ है भूखंड घोटाला, जिसमें 498 भूखंडों का गलत आवंटन किया गया है। प्राधिकरण के तहसीलदार ने दर्ज कराई रिपोर्ट। सामने आया लखनऊ विकास प्राधिकरण का बड़ा घोटाला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे लखनऊ से संवाददाता अनिकेत तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। जी अनिकेत, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का घोटाला सामने आया है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए प्रियंका, आपको बताना चाहेंगे कि आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के कोष अगर खाली है तो उसकी वजह यही है कि इस तरीके के घोटाले सामने आते हैं। जानकीपुरम घोटाला इसके पहले सबसे बड़ा घोटाला विकास प्राधिकरण का माना जाता था, लेकिन अब जब 498 का ये घोटाला सामने आया है तो जानकीपुरम का वो घोटाला इसके आगे बहुत ही बोना नजर आ रहा है। बता दें, इस पूरे मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव ऋतु सुहास और साइबर सेल क्राइम विवेक रंजन ने पूरी जांच करी, तब 52 मामलों में अपनी रिपोर्ट जब विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश को सौंपी, तब पूरे मामले की जांच हुई। इस पर अब गहनता से जब सघनता से जब जानकारी जुटाई गई, तब मामला प्रकाश में आया कि 498 ऐसे मामले हैं जिनका फर्जी तरीके से भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है। इस पूरे मामले में जो कार्यदायी संस्था डीजी प्राइवेट लिमिटेड के जो सीईओ है संजीव मित्तल और उसके साथ दीपक मिश्रा जो वहां के इंजीनियर है जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, सर्वर का काम जिनके पास विकास प्राधिकरण का था, उन्होंने अधिकारियों की मिली भगत से इस पूरे मामले को दिशा दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आ रही है। उन सभी की जांच जो सचिव है वहां के पवन गंग सचिव को सौंपी गई है, वो लगातार अब अधिकारियों की और कर्मचारियों की जांच कर रहे हैं। हालांकि जो कंप्यूटर सेक्शन के जो इंचार्ज हैं एसबी भटनागर, उनको भी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने नोटिस थमा दिया है और उनसे भी आख्या मांगी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका विभाग के कर्मचारियों की अधिकारियों की भी सामने आ रही है। लगातार प्राधिकरण में इस तरह के घोटाले सामने आते रहे हैं और अब की बार ये जो घोटाला आया है प्रियंका, ये सबसे बड़ा लखनऊ विकास प्राधिकरण का घोटाला है। जी बिल्कुल अनिकेत, सबसे बड़ा घोटाला है और बड़ी संख्या है। इतने बड़े स्तर पर ये घोटाला करते हैं, क्या विभाग में अफसरों को अधिकारियों को कोई डर भी नहीं है प्रशासन का या पुलिस का? अनिकेत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने बड़े स्तर पर ये घोटाले किए जाते हैं, क्या अफसरों को अधिकारियों को अब किसी का डर नहीं रह गया है? शायद हमारी आवाज यहाँ अनिकेत तक पहुंच नहीं पा रही है, आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर से आपको ये खबर हम बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें 498 भूखंडों का गलत आवंटन किया गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला लखनऊ विकास प्राधिकरण का बताया जा रहा है। इससे पहले भी कई घोटाले हुए हैं, लेकिन इस घोटाले के सामने उनकी तस्वीर बौनी नजर आती है। जैसा कि हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी ने जानकारी में बताया कि इस पूरे घोटाले में पूरा विभाग ही लिप्त पाया गया है। इसमें हर किसी को नोटिस दिया गया है और कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर आला अधिकारी तक सबकी मिलीभगत के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आया है। तहसीलदार की जानकारी के बाद उन्होंने यहां पे मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद और इसी खबर पर एक बार फिर से अनिकेत तिवारी जुड़ गए हैं। जी अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका, मैं सिलसिलेवार से अगर पूरे जी प्रियंका अगर सिलसिलेवार से मैं पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे घोटाले को अगर मैं बताऊं, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपनी के जो सीईओ है, जो कार्यदायी संस्था है डीजी प्राइवेट लिमिटेड, उसके जो सीईओ है संजीव मित्तल और जो इंजीनियर है दीपक मिश्रा, उनके पास काम था लखनऊ विकास प्राधिकरण में सर्वर सप्लाई करने का और उनके पास ही बहुत सारे जो कंप्यूटर सेक्शन के जो अधिकारी हैं उनकी आईडी उन लोगों के पास में थी। तो यकीनन अधिकारियों की मिली भगत के साथ
जो वहां के इंचार्ज है एसपी भटनागर और वहां के जो कर्मचारी बाबू है उनकी संलिप्तता के साथ इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। जो मूल आवंटित है जिनको आवंटन किया जाना था उन आवासों का, उन्हें उन भूखंडों का आवंटन ना करके इस कंपनी ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, अभिलेखों से छेड़छाड़ करी और उन लोगों को आवंटन कर दिया जिनका नाम ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी जो कर्मचारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के हैं उनकी संलिप्तता सामने आ रही है। इस पूरे मामले की जांच साइबर सेल से कराई गई थी। एसपी क्राइम साइबर सेल जो विवेक रंजन और संयुक्त सचिव रितिन सुहास ने इस पूरे मामले की जांच करी थी, तब 52 ऐसे भूखंड सामने आए थे। हालांकि जब पूरी रिपोर्ट प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश को सौंपी गई तब मामला पूरा प्रकाश में आया कि यह मामला 52 भूखंडों का नहीं है बल्कि 498 भूखंड ऐसे हैं जिनका फर्जी दस्तावेज तैयार करके जिनका आवंटन किसी दूसरे आवंटी को कर दिया गया जिसका नाम मूल अभिलेखों में नहीं था। तो कहीं ना कहीं अधिकारी हो या कर्मचारी हो या फिर सेक्शन इंचार्ज एसबी भटनागरी क्यों ना हो, सबकी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो तहसीलदार राजेश शुक्ला है उन्होंने सीईओ और इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और अन्य भी ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश है वो लगातार जांच कर रहे हैं और उनके उनकी भी जांच की जा रही है। जो सचिव है वो उनकी जांच कर रहे हैं। इस पूरे मामले का भी खुलासा भी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर लगातार हमारे संवाददाता लखनऊ से अनिकेत तिवारी इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह पूरे विभाग की संलिप्तता के साथ ही ये बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। और पहले ऐसा माना जा रहा था कि केवल 52 लोग ऐसे हैं जिनके लिए जिनके ऊपर गलत आवंटन किया गया है, लेकिन जब धीरे धीरे जाँच आगे बढ़ी तो इससे पता चला कि ये 52 लोगों का मामला नहीं है बल्कि 498 ऐसे भूखंड हैं जिनका गलत आवंटन किया गया है। और इस पूरे घोटाले में केवल एक दो नहीं बल्कि पूरा विभाग ही लिप्त पाया जा रहा है। कोतवाल जो है उनकी जानकारी के आधार पर, जब उन्हें कोई सूचना मिली तो उनकी जानकारी के आधार पर यहाँ पर जांच शुरू की गई थी और जांच के बाद ये पता चला है कि ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। इसमें तमाम अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं जिनको नोटिस दिया गया है और आगे की कार्रवाई अब जारी रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो 498 गलत आवंटन किए गए हैं इनमें मूल, और एक बार फिर से अनिकेत से हमारा संपर्क यहाँ पर हो गया। अनिकेत आपसे मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि जो आवंटन 498 गलत किए गए हैं, मूल आवंटी कौन थे जिनके नाम पे आवंटन होना था? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आवंटन किए गए हैं वो पैसों के लेन देन के आधार पर किए गए हैं या अपने ही जानकारों के लिए किए गए हैं? जी अनिकेत, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? और संपर्क हमारा शायद अनिकेत तिवारी से यहां पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें 498 भूखंडों का गलत आवंटन किया गया है और ये बड़ी संख्या है ये। और इसमें पूरा विभाग संलिप्त पाया गया है जिनको अभी नोटिस दे दिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने के बाद ये पता चलेगा कि आवंटन किस बिना पर किया गया है, किसको इसके द्वारा फायदा पहुंचाया गया है और साथ ही साथ वो मूल आवंटी कौन थे जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कंप्यूटर पे छेड़खानी कर गलत आवंटन किए गए। यहाँ पर मूल आवंटियों में जो लिस्ट थी 52 भूखंडों में हेरफेर पर कार्रवाई की गई थी जिसपे FIR दर्ज की गई थी और जब 52 भूखंडों के बारे में जांच आगे बढ़ी तो ये मामला सामने आया है और जांच के दौरान ही ये आंकड़ा बढ़कर 498 तक पहुंच गया है। LDA अधिकारियों का ये बड़ा खेल बताया जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव खबर के न्यूज की आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण का वो दफ्तर जहां पर तमाम LDA के अधिकारीगणों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है और साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं वो प्रपत्र भी जिसमें मूल आवंटियों की
सूची है। पहले पहल 52 आवंटियों के मामले में FIR दर्ज हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि इन आवंटियों को गलत तरीके से भूखंड का आवंटन किया गया है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ती है तो घोटाले का आंकड़ा बढ़ जाता है और ये आंकड़ा 52 से सीधा 498 तक पहुंच जाता है। LDA के अधिकारियों का ये बड़ा खेल बताया जा रहा है। कंप्यूटर में छेड़खानी कर भूखंडों में हेरफेर किया गया और इसके बाद ये बड़ा घोटाला सामने आया है। DigiTech के CEO पर केस भी। और इसके बाद बात करेंगे अलीगढ़ से एक बड़ी खबर।